सभी लोग अपने मोबाइल के स्विच ऑफ कर दें या उसको वाइब्रेशन। जो न जानते हो पड़ोसी से करवा लें। साइलेंस भी हो जाता है ओम। इधर से को ये यहाँ नीचे ओम 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 और तेज करो आवाज। ओम ज्यादा भी तेज ना हो कम। पहला वाला पहला बटन उधर का। ओम ओम ठीक। जो भी सौदा खरीदना होता है या बेचना होता है ना, तो उसका बाजार में क्या बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, तो आपको भगवान ने सब सिंपल दे रखे, बाहर से कुछ नहीं लेना। जागते हो बिना योजना के और सुख और दुख अनुभव कर, अच्छा बुरा, अच्छा लगता है बुरा लगता है। स्वप्न देखते हो तब भी अच्छा और बुरा लगता है, और कुछ नहीं, दो तरह का नहीं लगता। तो एक अवस्था है गहरी नींद, समाधि नहीं ना आपकी कभी हुई, ठीक है, तो गहरी नींद तो हुई है, ऐसा कोई अभागा नहीं है, कोई अभागा नहीं है, सब भाग्यशाली हो क्योंकि सबको नींद आती है। अभागे तो वो हैं जिनको नींद भी ना आती, फिर भी ऐसा अभागा हमें कोई मिला नहीं। हाँ, कम देर आती है ऐसे लोग तो मिले, पर कुछ देर को भी नींद ना आती हो ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिला। और वो भी भगवान की द्वारा प्रकृति से आपको गिफ्ट, बिना किए जो मिल जाए उसी को तो गिफ्ट बोलते हैं, कोई दे देता है, तो आपको नींद गिफ्ट में मिली। समाधि करने से होगी, और नींद में क्या था, आपके अंदर मैं हूं का विशेष ख्याल नहीं रहा, और जब तुम्हें मैं का ही कोई ख्याल नहीं रहा तो मेरा भी कैसे खड़ा करोगे, क्योंकि मैं मेरा खड़ा करता है, और मैं किसी को अच्छा बुरा मान के सुख दुख अनुभव करता है। आपका मैं ही खो गया था, तो अभी अभी आप सुन रहे थे कैलाश भारती जी के द्वारा, हमसे भी प्रेम करते हैं, ये ओशो के सन्यासी हैं, ठीक है। तो आप कुछ ना कुछ पाना चाहते हो, और पाना चाहते हो ना तो जो आपको प्राप्त है वो खो जाता है। एक लाइन पहले हम बोला करते थे, आज याद आ गई। दर असल में वही थी मंजिल, कदम उठा था जहां से पहले, जहां से आपने चलना शुरू किया था मंजिल तो वही थी, चलने की जरूरत ही नहीं थी, पाने की जरूरत ही नहीं थी, प्राप्त ही था। अब वेदांत क्या समझाता है, प्रवचनों से क्या सुनते हो, प्राप्त की प्राप्ति, जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति कराता है वेदांत, गुरु उपदेश। उपदेश से क्या पाना है, जो प्राप्त है। तो प्राप्त की प्राप्ति, और दूसरा शब्द भी बोलते हैं, जिससे तुम छुटकारा चाहते हो ना उसको वो कहते हैं नित्य निवृत्त की निवृत्ति।
जिससे तुम मुक्त हो उसी से मुक्ति, ये दोनों शब्द बड़े विचित्र हैं। और ये भी आप सुन रहे थे अभी कैलाश जी के द्वारा, शब्द नहीं, उसका भाव क्या है? प्राप्त की प्राप्ति और निवृत्त की निवृत्ति। जो नित्य निवृत्त होता रहता है उसको तुम प्राप्त मान लेते हो, तुम्हें देह प्राप्त मालूम पड़ता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति लगता है हमें मिल गई। मिली कहाँ, वो तो आई और गई, तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं है, तुम पकड़ना चाहते हो, यही तो गड़बड़। सब पकड़ने में लगे हैं, किसको? जो तुम्हें लगता है प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया, प्राप्त नहीं, जो प्राप्त हो गया उसे पकड़ने में लगे। अच्छा, प्राप्त को पकड़ने की इच्छा छोड़ दो, देखो मुक्त हो गए। जो भी प्राप्त हुआ है उसे पकड़ने की चाह छोड़ दो, पकड़ तो तुम सकते ही नहीं, और पकड़ सकते नहीं, पकड़ के रख सकते नहीं, इसीलिए चिंता होती। पकड़ना चाहते हो, पकड़ सकते नहीं। और बताओ किस चीज की टेंशन? जो प्राप्त हुआ ही नहीं लगता है, जैसे बादल निकले और उसकी छाया तुम्हें लगे, पसंद आ जाए तो तुम चाहोगे बादल आ गया है बना गए, वो तो जा रहा था उतनी देर तुम्हें प्राप्त लगने लगा, आया है जा रहा है, उतनी देर तुम्हें लगा जैसे मिल गया। बचपन आपको मिल गया था, अभी भी है ना, तो वो तो निकला था, जन्म के बाद बचपन आया था, वो जा रहा था, थोड़ी देर तुम्हारे सामने पड़ गया, फिर अगली अवस्था आ रही, आई जा रही, वो आ रही है जा रही। शायद महाराष्ट्र में, मुझे याद नहीं कहाँ बोलते हैं, पर लोग कहते हैं आ रहा हूं, जब जाते हैं तब ये बोलते हैं, जा रहा हूं नहीं बोलते, आ रहा हूं। ये शायद बता रहे हैं कि जा नहीं रहा, आ रहा हूं। तो ऐसे ही कई चीजें जा रही हैं लेकिन आ रही है, कुछ आ रहा है, और जो आ रहा है वो आ ही रहा है और जा ही रहा है, वो चल रहा है। जैसे नदी कभी रुकी नहीं है, तालाब नहीं कहता, नदी रुकी नहीं है फिर भी बनी रहती। तो जैसे नदी चलते हुए दिखती रहती है, ऐसे ही सब कुछ जा रहा है, संसार पूरा नदी है, ये बचपन जवान सब जा रहे हैं, और थोड़ी देर को तुम्हारे सामने पड़ते हैं और तुम उससे आसक्त हो जाते हो, अपना बना लेते हो, अपना बनाए रखना चाहते हो, अपने को जानते नहीं, अपना बनाने में लगे हो, यही टेंशन है। जो हो नहीं सकता ऐसा काम कर रहे हो, सब लोग असंभव काम में लगे पड़े, जो हो ही नहीं सकता उस काम में लगे पड़े, देख लेना लगे हो कि नहीं। लोग कथा सुनते हैं तो कोई खुल के बोलते हैं, कोई मन से, तो बोलते हैं सत्य वचन महाराज। तो थोड़ी देर तुम्हें लगता है शरीर मुझे मिल गया, बचपन मिल गया था,
जवानी मिल गई, बुढ़ापा मिल गया, कितनी देर, एक सेकंड भी नदी रुक नहीं रही, बह रही है। और हमने सुना है, हमको आता नहीं है, पर ये जो पिक्चर बनाते हैं वो कहते हैं आपको लगता है खड़ा, वो लगातार बनता रहता है। और भी हम उदाहरण देते हैं, मांडूक उपनिषद में एक उदाहरण है अलात शांत मशाल। और बचपन में हम लोग आग में तिनका लगा के रात को खेलते थे, गोला बनाते थे, लाइनें खींचते थे, जलते हुए तिनके से लाइन बना लेते थे। तो ये भी लगता है कि लाइन बन गई, लगता है कि गोला बनता है, बनता ही नहीं। और बना दो तो तुम्हें रुपया दें, पर बना देते हो, गोला बन जाता है। पर वैज्ञानिक तथ्य क्या है, गोला तब बनेगा जब एक टाइम पर सब जगह आग हो, एक टाइम पर, इस सेकंड पर वहां, उस सेकंड पर, तो गोला कहां बना। और कोई तिनका चारों तरफ एक टाइम पे नहीं हो सकता, जल्दी तो हो जाता है, तीव्र गति से वो तिनका घूमता है, लेकिन सब तरफ एक टाइम पे नहीं हो सकता। जो एक टाइम पे सब तरफ कर दे उसको हम इनाम देंगे। फिर भी हमको दिखता है, सब तरफ दिखता है, होता नहीं। तो जैसे वो दिखता है ऐसे ही आपको प्राप्त दिखता है। जो तुम्हें प्राप्त दिखता है वो सिर्फ भ्रम है। अप्राप्त दिख गया तो बचाने में लग गए, अप्राप्त की प्राप्ति की योजना बनाने लगे। बचपन प्राप्त लगता है तो लगता है जवानी मिल जाए, तो पहले तो बचपन ही तुम्हारा नहीं मिला तो जवानी के लिए क्या चाह रहे हो। ये सब कुछ बह रहा है। इसको संस्कृत में बोलते हैं संसरत इति संसारा, जो सरक रहा है। तो इसको चलता हुआ देखो, कुछ करो मत, सिर्फ शांत रह के नदी को बहता हुआ देखो। एक और है, ध्यान क्या है, साधना क्या है, कहते तटस्थ। तटस्थ का अर्थ जानते हो, किनारे स्थित हो जाना, नदी के किनारे ठहरे रहना, तटस्थ, किनारे खड़े हैं, किनारे बैठे, तट में अस्थ, रुके हैं। तो रुके हैं, नदी बह रही है, तटस्थ। तो संसार बह रहा है, आपको क्या रहना है, तटस्थ। और तटस्थ का दूसरा अर्थ भी है, सम्मिलित नहीं होने का नाम तटस्थ। पहले हमारा देश, बहुत पहले ये कहते थे तटस्थ राष्ट्र, अर्थात किसी राष्ट्र से हमारी मित्रता नहीं है, शत्रुता भी नहीं, किसी राष्ट्र से हम मिले नहीं। अब ऐसा नहीं है, अब तो किसी राष्ट्र की तरफ अपना झुकाव है, लेकिन एक समय था तटस्थ राष्ट्र। तो आप क्या हो जाओ, तटस्थ, ठहरो तटस्थ, सबको आने जाने, किसी से राग नहीं करो, किसी से द्वेष नहीं करो। बस राग द्वेष तो गीता में बंधन बताया, राग द्वेष को ही चोर परपंथी बनाए, परिपंथी, रास्ते में जो ठग लगते हैं उनको परिपंथी।
तो गीता में कहा ये जो राग द्वेष मन बुद्धि में रहते हैं ना, तो यस्य परिपंथिनौ, ये ठग है। जब आप देखते हो तो सिर्फ नहीं देखते राग और द्वेष, अच्छा और बुरा, सुनते हो तुरंत अच्छा और बुरा, करते हो तुरंत अच्छा और बुरा। अच्छा पुण्य हो गया, बुरा पाप हो गया। जब आप करते हो अच्छा बुरा कुछ नहीं, सिर्फ करते हो क्रिया, इसलिए जानवर करते हैं वो अच्छा बुरा नहीं, इसलिए जानवरों को पाप नहीं लगता। आप आश्चर्य करोगे, जानवरों को नहीं लगता क्योंकि ना वो अच्छा करते हैं ना बुरा करते हैं। हम अच्छा और बुरा तुरंत करते हैं, हम अच्छा और बुरे के बिना रहते ही नहीं। किसी से हमने पढ़ा था या सुना था कि अपने मन के खजाने, मन के कोष में क्या हटा दो, अच्छा और बुरा, सुनो देखो चलो बोलो और अच्छा और बुरा नहीं, सुनते रहो, अच्छा नहीं बुरा नहीं सिर्फ ध्वनि। अच्छा और बुरा ये दो आपके मन में से निकल जाए बस, सुनो देखो चलो बोलो जानो, जो कुछ है जानो, अच्छा नहीं जानो बुरा नहीं जानो। पहले किसी प्रवचन में हमने कहा है, दोहरा देते हैं, कि एक समय होता है चुनाव, आपको चुनाव से ऊपर ले जाना है। चुनाव क्या होता है, अच्छा और बुरा। तो जब तक चुनाव है तब तक बुरे का संग ना करो, अच्छे का करो। अभी अभी कैलाश जी कह रहे थे कि मेरे बात कुछ तुलना नहीं करना, सुनना, सिर्फ सुनना, क्या हाजिर है और काम नहीं करना, इधर उधर नहीं, सुनना। पर या तो आप राग से सुनते हो या द्वेष से, बस दो का त्याग कर दो। त्यागी कहते हैं ना, त्यागी तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, कहिए तात सो परम विरागी। तिनके के समान तीनों गुणों का त्याग कर, और हमारी समझ में राग और द्वेष का त्याग कर दे। और राजनीति में भी वो जब वो क्या होता है, जब जिस दिन वो शपथ लेते तो शपथ में यही कहते, राग और अनुराग के बिना हम काम करेंगे। तो वो हमारी समझ में कम आया, ये हम बता रहे। हम अब कुछ भी सुनेंगे राग और द्वेष के बिना, सिर्फ कान है आवाज आ रही, क्या जरूरत राग और द्वेष की, अच्छा और बुरा ये तो पढ़ा है ना तुमने, ये बहुत पढ़ गए हैं। अब तोते पढ़ जाए ना तो फिर वो वही बोलते रहते, वही बोलते रहते। और कई लोग ये भी कहते हैं, बूढ़े तोते, नया तोता पकड़ लो तो कुछ भी पढ़ा दो, ये पुराना तोता पकड़ लो तो वो टाए टाए ही बोलेगा, वो तुम जो पढ़ाओगे नहीं पढ़ेगा। तो हम सब पुराने तोते हैं जो पढ़ गए, अब वो कैसे हटाए। तो आप क्या है ध्यान, क्या है सत्संग, राग और द्वेष से रहित होकर सुनना देखना छूना
सूंघना, कुछ भी विषय का ग्रहण हो, विषय का चुनाव नहीं। एक है चुनाव, बुरे को छोड़ना, अच्छे को पकड़ना। एक है चुनाव रहित होना। सुनते समय सावधान रहे। क्या सावधान? चुनाव रहित, सिर्फ सुन रहे, सिर्फ देख रहे। मंदिर में जाओ तो सिर्फ दर्शन दर्शन करते रहो। अभी कहा था ना कि आप सिर्फ गुरु के पास बैठ जाओ, कुछ ना करो, कुछ ना करो, कुछ हो रहा होगा, दिख रहे होंगे। कभी नमस्कार करते हो, पैर छूते हो, सिर्फ छुओ और बिना राग और द्वेष के, होश में अवेयर रहकर, राग द्वेष भी युक्तैस्तु, गीता, राग द्वेष भी युक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन, आत्मवश्यैर्विधेय आत्मा प्रसादमधिगच्छति। उसको प्रसन्नता मिलती है, प्रसाद। किसको प्रसाद सदा रहेगा? जो राग द्वेष से रहित विषयों का ग्रहण करेगा। और भी गीता में बहुत मंत्र हैं। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शशांति माप्नोति न काम कामी। आपूर्यमाणा समुद्र आपा, जैसे समुद्र नदियों से भरा जा रहा है, सारी नदियां सागर में जा रही, समा रही। समुद्रम आपा प्रविशन्ति यद्वत्, जैसे समुद्र में नदियां समा जाती हैं, तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे। यहां सर्वे का है, अच्छा शब्द बुरा शब्द, अच्छा रूप बुरा रूप, अच्छा स्पर्श बुरा। आपूर्यमाणा अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्, जैसे समुद्र में सभी नदियां, कौन नदी? चुनाव नहीं, सारी नदियां समुद्र में समाती जाती है। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, सर्वे का तद्वत्, उसी तरह से सारा विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सारे विषय दृष्टा चेतन में, आप में, आप में, चैतन्य में समा रहे। आप क्या हो? अवेयरनेस, चॉइसलेस अवेयरनेस। आप जाग रहे हो, चुनाव रहित हो, सब समा रहे। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति, स शांतिम आपनोति, वो शांति प्राप्त करता है। न काम कामी, उसे शांति मिलती है। जो विषयों की कामना करता है, ये आवे, ये आवे, आजा आजा, अब रुक, ये ना आवे। जो नदियों को रोकता है या बुलाता है, दोनों को चैन नहीं। सागर ना बुलाता है, न बांध लगाकर आने को रोकता है। आप क्या करते हो? या तो रोकने में लगे हो, या बुलाने में लगे हो, या तो विषयों को बुला रहे हो, जरा और सुनो और मिलो। न काम कामी, जो विषयों की कामना करता है उसे शांति नहीं मिलती। जो कामना रहित है, निष्काम है, कामना नहीं है और रोकता भी नहीं, क्योंकि रोकना भी कामना हो गई।
रोकना भी कामना है, भुलाना भी कामना है। काम कामी को, विषय कामी को शांति नहीं मिलती, पर जिसे कोई कामना नहीं है उसे शांति मिलती है। यह है, आप कभी भी ध्यान में बैठ जाओ, मंदिर में बैठ जाओ, सत्संग में बैठ जाओ, पर काम कामी नहीं, कोई कामना मत करो, बस बैठ जाओ, सिर्फ हाजिर रहो। सागर है अपना, हृदय खुला है, आए कोई आए, ना आए ना आए, आप अपने हृदय को सागर की तरह विशाल कर दो, आने दो जो आता है, ना आने दो जो नहीं आता है। हमें किसी को बुलाना भी नहीं और किसी को आने से मना नहीं करना। जैसे सत्संग में कोई आया है आ जाए, नहीं आया नहीं आया, यदि हम देखें वो नहीं आए वो नहीं आए तो परेशान होंगे, क्यों नहीं आए, ये क्यों आ गए, इसको तो हमने बुलाया ही नहीं, क्यों आया। तो इससे बड़ी कोई साधना नहीं है, च्वाइसलेस अवेयरनेस, चाह रहित होश में, नींद में नहीं, गहरी नींद में तो च्वाइसलेस होते हो। इसलिए कल शंकराचार्य जी ने कहा था, नींद को यदि जागृत में ले आओ, कल शंकराचार्य ने अविनाशी अखंड धाम में कहा था, नींद को होश में ले आओ, माने च्वाइसलेस अवस्था होश में, नींद में नहीं। नींद में तो चाह रहे थे लेकिन तब विषयों का पता ही नहीं था। सब कुछ पता हो, सब कुछ हो, पर तुम नींद की तरह चाह रहे, चुनाव रहे, द्वंद रहे, ये वो, ये हो ये ना हो, ये मिल जाए, क्यों मिला, नींद में क्या मिले, कुछ नहीं, नींद में क्या नहीं मिला कोई पता ही नहीं। अभी सुन रहे थे ना कैलाश जी से, भूल जाओ सब भी। और एक पुस्तक इस समय नहीं है जो मुझे 40-50 साल पहले धार में मिली थी, एक पुस्तक, उसका नाम था ज्ञान प्रेम, छोटी पुस्तक थी, वो मुझे मिली, पसंद आई, तो बहुत जगह जहां मुसलमान होते थे मैं वो सुनाता था, क्योंकि वो एक मुस्लिम की लिखी थी, पर वो सचमुच आध्यात्मिक था। उसने लिखा, जाने पुत्र छंगू का नाम है जाफर, जाफर नाम था, एक छंगू नाम के मुस्लिम का लड़का था, मुस्लिम छंगू का नाम है जाफर, ना मैं हिंदू हूं ना मैं काफर, ऐसा। और फिर मुझे गुरु मिले, उन्होंने मुझे मंत्र दिया, मैं मंत्र लेकर बैठ गया, इतने दिन न मैंने खाया न मुझे नींद आई। अब देखो पिक्चर देखने में घंटों जाग जाओगे, गप सप लगाओगे घंटों जाग जाओगे, और चुपचाप जागे रहो, बिस्तर में लेटे जागे रहो, बैठे बैठे जागे रहो, मंदिर में जाओ, कुछ मत करो, जागे रहो, सो जाओगे। तो उसने भी भूलने की बड़ी महिमा गाई है वो पुस्तक। फिर एक हरिकृष्ण दास अग्रवाल थे मुंबई के, वो पुस्तक उन्होंने छपा दी, जो निर्मल वेदांत निकेतन अमृतसर में, वो पुस्तक अभी होगी।
उन्होंने यही कह के छापी, क्योंकि किसी पुस्तक को छपाने का अधिकार ना हो तो नहीं छापना चाहिए, पर उन्होंने छापी ये कह के उनसे मुझे मिली, मैंने इसे छपाया है। ज्ञान प्रेम, उसमें लिखा है, तन ढीला कर बैठ बिरागा, शरीर को शिथिल करके रिलैक्स करके बैठ जाओ। केवल शरीर की नस नाड़ी स्किन चमड़ी सब रिलैक्स कर दो, पूरा विश्राम, जागे रहो बस, कुछ मत करो। तो जब आप चाह रहित होकर शांत बैठे होगे या लेटे होगे, लेटे इसलिए अभी नहीं कहते कि जो काम हम एक बार कर लेते हैं आदत पड़ जाती है। कोई पत्नी के पास कहे बहन की तरह रात भर रहो, पत्नी के पास कोई कहे माँ की तरह रहो, बड़ा कठिन है, क्यों? आदत पड़ गई। कभी कभी आपने देखा होगा आप 10 मिनट पेशाब करने न जाओ, क्योंकि हमारी उम्र हो गई, हमें अनुभव है, नहीं जाओ नहीं जाओ, पर आप बाथरूम को तैयार हो जाओ, कपड़ा कई बार खोलते खोलते मुश्किल पड़ जाता है, वो अंदर से कपड़े के तो पूरी प्रक्रिया अंदर से शुरू हो, तो चूंकि कपड़ा पेशाब के लिए ढीले करते हैं इसलिए वो जल्दी होना, नहीं करते तो अभी बैठे। इसी तरह से आप लेट कर हमेशा सोते हो, इसलिए लेट कर ध्यान शुरू में कठिन, नहीं लेटने जैसा ध्यान कोई अच्छा है ही नहीं, सबसे अच्छा है लेट कर ध्यान। कई कहेंगे हम बैठे में थक जाते, कोई कहेगा रीढ़ सीधी नहीं रहती, कोई कहेगा ये पैर दुखने लगता, कितनी अच्छी सुविधा है, पर एक ही खतरा है, क्योंकि हमेशा लेट कर क्या करते हो, बजट सोते हो, इसलिए लेटे कि आपकी आदत सक्रिय हो जाएगी, सो जाओगे। पर सबसे अच्छा है, इसीलिए एक है सवासन, लेट कर शरीर को मुर्दा कर, इंद्रियां शरीर स्किन अंदर की बेन नाड़ियां सब शिथिल कर रिलैक्स कर। बढ़िया ध्यान है, और जागे रहो, और जैसे मर जाते हैं इसलिए सवासन बोलते हैं। सवासन में कोई कुछ कहे गाली दे तो आप जवाब दोगे, अच्छा जवाब तो जवाब देने का मन होएगा, कुछ नहीं, सवासन जैसे मर गए। अब मर गए हैं, अब कोई गाली देता है सो इच्छा भी ना हो कि जवाब दो, अंदर से ध्यान रखना जवाब देना गैर क्या जरूरी है, जवाब अंदर से कुछ भी नहीं, अब मर गए, शरीर पड़ा है, मन भी मर गया है, कोई उत्तर नहीं, जवाब नहीं, इच्छा ही नहीं, क्योंकि मरे पड़े और होश में। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, अब मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरने का आनंद एक बार ले लो, सिंपल, जैसे कल मैंने कहा शंकराचार्य जी ने सुसुप्ति को जागृत में ले आओ, ऐसे ही मरना जिंदा में ले आओ, जीते जी मर जाओ। कल कोई ये भी सुना रहा था, मस्तराम मुर्दों से बोले, मस्तराम
मुर्दों से बोले मुर्दे कुछ बतलाओगे, तो मुर्दों में से मुर्दा, बड़ा वाला मुर्दा पक्का, मुर्दों से मुर्दों में से मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। हम मरना नहीं जाने, मरब रब मरण मरण सब कोई कहे, मरब न जाने कोई मरम अब मरण न जाने कोई। एक बार जो मरना जाने तो फिर न मरना होए, एक बार मरना जान जाओ। आज अभी इतना ही कहेंगे, बाकी चर्चा कल फिर करेंगे शाम को अविनाशी अखंड धाम में। ओम शांति।